इसी कड़ी में हम पढ़ने जा रहे हैं जयशंकर प्रसाद जी को। अभी हमने रामचंद्र जी को पढ़ा, अब हम किसको पढ़ेंगे बोलो? तो जानते हो रामचंद्र जी का जन्म जब हुआ था, मतलब कि रामचंद्र मतलब कि जानते हो ना, मित्रता वाले, कौन वाले? मित्रता। उनके 5 साल बाद जयशंकर प्रसाद का जन्म हो गया बेटा। क्या साल बाद हो गया? जैसा कि पता चलता है जयशंकर शंकर भगवान की नगरी, और शंकर भगवान की नगरी बोलो क्या है? काशी। बोलो जयशंकर प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ? काशी में। और लगता है जयशंकर शंकर भगवान तो देवी हो गए करेगा कहीं, इनके पापा का नाम बोलो क्या बन जाएगा? देवी तो नाम से दो तीन चीज मिलेगा। पहली बात तो नाम जयशंकर प्रसाद है, रामचंद्र शुक्ल के 5 साल जन्मे थे 1889 में। और जानते हो शंकर भगवान की नगरी काशी, इनका जन्म कहाँ हो गया? काशी। शंकर है तो कहीं देवी होगी, तो इनके पापा का नाम क्या बन जाएगा? देवी आएगा। इसी कड़ी में आपको याद करने के लिए हम बता दे, आजादी के 10 साल पहले मर गए थे 1937 में। 1937 इनको हुआ था टीवी, इनको 6 रोग हुआ था। बोलो क्या हुआ था इनको? 6 रोग। और ये बहुत कमजोर हो गए थे दुखों के कारण, दुखों को रंज बोलते हैं। बोलो क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे इनका मृत्यु 1937 ईस्वी में 6 रोग और रंज के कारण हो गया था। 4-5 लोग होंगे ना बेटा, बोलो इनके भाई का नाम क्या था? शंभू। इनके भाई का नाम क्या था? शंभू। जब युवा अवस्था में थे तब इनके पापा चल बस, जब युवा अवस्था में थे इनके पापा क्या हुए? चल बसे। 4 साल बाद मम्मियों चल बस। बोलो क्या चलो चल बसी? चल। इनका पालन पोषण कौन करेगा तब? भाई। इनके भाई का नाम बोलो क्या था? कुछ सालों में भाइयों चल बसे, कुछ सालों में क्या हो गए? भाई भी चल बसे। कर्जा हो गए ना, इतना कर्जा हो गए, अपना कर्जवा चुकाने के लिए क्या किया इन्होंने? अपनी पैतृक संपत्ति बेच दी। अब कहानी हो गई खत्म। और स्वाध्याय किए, स्वतः पढ़े थे घर पर। भाषा कौन सी? हिंदी, अंग्रेजी और बेटा शैली विचार। चलो दुख भरी दास्तां सुनाते हैं। जयशंकर प्रसाद जी का जन्म कहाँ हुआ था? काशी। हुआ था। इनके पापा का नाम देवी प्रसाद। और बेटा ये इन्हें मतलब कि इनका व्यापार, मतलब इनके घर का परिवार मुख्य रूप, अरे व्यापार मुख्य रूप से क्या था बेटा? चलो ठीक है, युवा अवस्था में इनके पापा क्या हो गए? चल बसे। और 4 साल बाद इनकी मम्मी भी क्या हो गई? चल बसे। मतलब कि उनके मम्मी के चले जाने के बाद इनके बड़े भाई शंभूरत ने इनका मतलब कि पालन पोषण किया। और पालन पोषण क्या मतलब कि आज इनका वहन वहन करते थे। और मतलब कुछ सालों बाद जब इनके भाई की मृत्यु हो गई, तब तक इनका परिवार काफी कर्जा ले चुका था। उस कर्जे को चुकाने के लिए जयशंकर प्रसाद ने क्या किया? अपने पैतृक संपत्ति को बेच दिया। और उसके बाद जानते हो अब बगल के स्वाध्याय किए थे, यानी घर पर स्वतः पढ़े थे। इनकी भाषा बेटा फारसी, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू और संस्कृत। ये भी हो गया ना। इनका जीवन काफी संघर्षों में बीता, काफी इनका जीवन कष्ट में रहा। अंतिम में इनको 6 रोग हो गया और रंज के कारण 1937 में क्या हो गए? चल बसे। और बेटा हमने क्या बोला, इनका जो तो शैली है विचारात्मक, भावात्मक और क्या है? विचारात्मक है। साहित्य में स्थान क्या है? छायावादी, कामधारा के प्रवर्तक थे। खत्म ना, इतने हमको पढ़ना ही था। चलो अब पढ़ लेते हैं ये कृतियां। कृतियां में बेटा देखो काव्य आएगा, तो उपन्यास आएगा, और क्या आएगा? कहानी आएगा, और क्या आएगा? नाटक आएगा, और क्या आएगा?
झरना हो गया, झरना तो कहीं लहरियों पर रहा होगा, आंसू का झरना झरने का लहर, तो आंसू झरना और लहर, आंसू का झरना झरने का लहर, आंसू झरना और लहर, उसी का हमने बनाया फोटो, हो गया चित्र, बन गया चित्राधार, क्या बन गया चित्राधार, रामायण आंसू से बना झरना, झरने से बना लहर, आंसू झरना और लहर, फोटो बनाने वाला आ गया, बना दिया चित्राधार कर दिया, ये हो गया बेटा इनका क्या काव्य हो गया, कामायनी अलग से, कामायनी क्या हो गया अलग से, आंसू का झरना झरने का लहर और लहर का फोटो बन गया, बन गया चित्राधार बन गया अलग से कामायनी। अगर कोई प्रणाम निकाल के हैं तितली उड़ी कंकाल पे गई, तो तितली बन गया और क्या हो गया कंकाल, अलग से गिरा होती, अलग से क्या हो गया, आनी तूफान लिखे हैं सिर्फ आनी, तो आनी लिख लिए और आनी आया, हमारा छाया बना लिया और छाया बना, हमने बोला आवाज टकराई पर ध्वनि आई, इंद्रजाल बन गया, आनी आया छाया बना पर ध्वनि आई, इंद्रजाल बना, तो मेरा आधी आया छाया बना पर ध्वनि सुनाई दिया और क्या हुआ इंद्रजाल बन गया। आगे नाटक में आ जाओ, कुल नटकोली डाले के आए जी, तो पहले है काव्य आंसू झरना और क्या हो गया अगले बेटा उपन्यास तितली उड़ी क्या हो गया। अब रुक जाइए एक बार और रिपीट कर ले जाए, जयशंकर प्रसाद का जन्म रामचंद्र शुक्ल के जन्म से 5 साल बाद 1889 में हुआ था, काशी में हुआ था, पापा का नाम क्या था देवी प्रसाद था, और बेटा अब हमने इन्हीं पढ़ाई की इनका परिवार का जो मुख्य व्यापार था वो क्या था, सुमनी साहू नामक प्रसिद्ध वैसे परिवार में इनका जन्म हुआ था, और बेटा हमने आगे पढ़ा कि युवा अवस्था में इनके पापा का देहावसान हो गया था और 4 साल इनकी मम्मी का भी क्या हो गया, इनके पापा मम्मी के गुजर जाने के बाद इनके बड़े भाई शंभुरत ने क्या किया इनका पालन पोषण किया, देख रेख किया, मतलब कि कुछ सालों बाद ही इनके बड़े भाई का भी क्या हो गया देहावसान हो गया, और बड़े भाई के जाने के बाद मतलब कि अपने परिवार में अकेले हो गए, और अब इनका परिवार तब तक पूरा ऋण ग्रस्त हो चुका था, इन्होंने अपने ऋण को चुकाने के लिए अपने पैसे संपत्ति क्या कर दी बेटा, हमने इतना पढ़े रखा है और हमने आगे पढ़ाई की इनका जो मृत्यु हुआ था, मतलब इनका जीवन काफी संघर्ष बीता था और ये मतलब कि अंत में 6 रोग हो गया था और रंग के कारण मतलब कि इनका मृत्यु आजादी के 10 साल पहले 1947 में हो गया था, और हमने शैली क्या पढ़ी है विचारात्मक भावनात्मक और चित्रात्मक पढ़ रखी है, और हमने बेटा पढ़ रखा छाया प्रवर्तक पढ़ाना जी, छायावादी छायावाद काव्यधारा के प्रवर्तक बताना जी, और कृतिया पड़ी है, कृतिया में काव्य है आंसू गिरा झरना बना लहर बना बना कामायनी अलग से, और आगे उपन्यास है